राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नात है सोते रो आधीन सोते रो आधीन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी आ गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी भज गोविंद गोविंद गोपाला गाइए
bhaj Govinda Govinda Gopala. Bhaj Murali Manohar Nandlala. Bhaj Murali Manohar Nandlala. Bhaj Govinda Govinda Gopala. Bhaj Govinda Govinda Gopala. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Gaiye prem se Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Prem se Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Bhause Hare O Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Prem se
सभी लोग भाव से तालियों के साथ नाम हरे हरे ओ हरे राम आ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो ए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी अरे छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने हमको हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने तुक मिले रसिको की सदा और पीपन को यमुना जल पानी तुक मिले रसिको की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी हाँ राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीतारा बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीतारा भाव से हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय शिशि गौरनिताय
Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya! Jaya Prabhupada, 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 Jaya! Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदेशांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभास पीतांबर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूरणेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जाने करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र स्यपुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यम् गोविन्द दामो धर्माधवेति ॐ नमो
Bhagavate Vasudevaya. Boliye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad Bhagvatam, Skandh 10, Adhyay 9, Shlok Kramank 2. Yani yani hi gitani. Boliye. Tad bal charitani cha. Dadhi nirmanthane kale. Smaranti tanya gayata. Jai Jai Shri Radha Ramana. Jaya Jaya Navala Kishore. Jaya Gopi Chita Chora Prabhu. Jaya Jaya Makhana Chore. Jaya Jaya Makhana Chore. Sri Krishna Chandra Bhagavan ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Param Swabhagya, Pavitra Kartik Mas, aur is Kartik Mas ko sarthak karne ke liye Bhagavan Sri Krishna ki Pavitra Pavan Bal Lila. श्री कृष्ण की श्रीपाद सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में और श्री व्यास मुनि स्कंद पुराण में कार्तिक मास की महिमा बताते हुए एक बहुत सुंदर बात करते हैं. वे कहते हैं, दुर्लभ हो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये तत्रापि दुर्लभं मन्ये कार्तिक हरि वल्लभ कार्तिको हरि वल्लभ. इसी प्रकार का एक श्लोक भागवत में भी है, लेकिन यहां पर कार्तिक की महिमा बताते हुए श्रीपाद सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास व्यास मुनि स्कंद पुराण वे कहते हैं, दुर्लभम मानुषो देहो. ये जो हमें मुझे आपको ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये मनुष्य शरीर मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है. इस बात को आप जानते हैं, आप समझते हैं इस बात को. दुर्लभम मानुषो देहो केवल केवल स्कंद पुराण में ही नहीं, भागवत में भी कहा गया, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम प्रहलाद महाराज. और इसी बात को मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी अवध की प्रजा को उपदेश देते हुए कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ मुनि संत रुगावा. साधन दाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक सवारा.
समस्त वेदों ने, समस्त शास्त्रों ने, भगवान के समस्त स्वरूपों ने यह बात की है कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आप ऐसा मत समझिए कि बस ऐसे ही मां के गर्भ में हम आ गए और हमारा जन्म हो गया। नहीं, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए बड़ी 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 मेहनत, बड़ी कठिनाई होती है। सबसे पहले हमारे 9 लाख प्रकार के जन्म पानी में होते हैं। शास्त्र में लिखा गया जलजा 9 लक्षाणी, हम सब के 9 लाख जन्म पानी में हो चुके हैं। बात समझ रहे हैं आप? कभी हम शार्क बने तो कभी डॉल्फिन बने, कभी पानी का कछुआ बने, हैं? ऐसे करते करते 9 लाख बार हमने पानी में जन्म लिया और उसके बाद स्थावरा लक्ष्य विशंति ही, और तत्पश्चात 20 लाख जन्म पेड़ और पौधे के रूप में हमने लिया। ये मैं और किसी की कथा नहीं बता रहा हूं, ये हमारे जीवन की व्यथा बता रहा हूं। 9 लाख जन्म जल में, 20 लाख प्रकार के जन्म पेड़ और पौधे के रूप में, पक्षिणाम 10 लक्षाणाम, 10 लाख प्रकार के हमारे जन्म उड़ने वाले पक्षी के रूप में हो चुके हैं। कृमिया रुद्र संख्या क्या, 11 लाख प्रकार के हमारे जन्म मच्छर, चींटी, कीड़े मकोड़े के रूप में हो चुके हैं। 30 लक्षाणी पशव, 30 लाख प्रकार के हमारे जन्म 4 पांव पर चलने वाले तिर्यग पशु के रूप में हुआ है। मास्टर जी, आपने हिसाब जोड़ा? किसी ने जोड़ा हिसाब? हिसाब जोड़ा किसी ने? टोटल 80 लाख हुए। ऐसे करते करते हमारे 80 लाख जन्म बीत जाते हैं, तब जाकर तब हुक नर करुणा कर दे ही। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि ईश्वर के हृदय में करुणा होती है कि यह जीव कितनी बार गाय, बैल, गधा, कुत्ता, ये कितना जन्म लेगा, ईश्वर के हृदय में करुणा होती है और भगवान मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं, मनुष्य देह देते हैं। तो 80 लाख जन्म लेने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो दुर्लभो मानुषो देहो, अब समझ में आ रहा है कि कितना दुर्लभ है। दुर्लभ एक तो ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। भगवान रामचंद्र ने कहा कि बड़े बड़े देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। सूर्य दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ ये मनुष्य शरीर है। देवता भी स्वर्ग में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें मनुष्य का शरीर और भारत जैसी पवित्र भूमि में मनुष्य का शरीर दीजिएगा। सूर्य दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है मनुष्य शरीर। और साथ ही साथ दुर्लभ तो है, लेकिन साथ ही साथ देही नाम क्षण भंगुर, ये मनुष्य शरीर बहुत कम समय के लिए मिला है। क्षण भंगुर, ये कब मर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है और इस मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बड़ी मुश्किल से यह देह मिला है। बुद्धिमानी इसी में है कि इस मनुष्य जीवन को पाकर भगवान का भजन करे और 84 लाख के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करे। लेकिन होता क्या है,
मिलता है मनुष्य देह 84 के चक्र से मुक्त होने के लिए और हम भजन नहीं करते, संसार के भोग में रचे पचे रहते हैं, भजन नहीं कर पाते और फिर से 84 के चक्र में फंस जाते हैं, फिर से 9,00,000 प्रकार के जन्म पानी में, वृक्षों में, पशु पक्षियों में। बस जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना मरना। ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और देही नाम क्षणभंगुर है, इसलिए मन में भजन करने का विचार आए तो तुरंत कर लेना चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए। भगवान रामचंद्र ने यहां तक कह दिया कि 84,00,000 के चक्र में फंसते 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 मनुष्य का शरीर मिल जाए तो समझो कि आप मुक्ति के द्वार तक पहुंच गए हैं। क्या कहा भगवान राम ने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य जीवन मिलना इसका अर्थ है कि हम और आप मुक्ति के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन हाय रे कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य कि मुक्ति के द्वार पर खड़ा है, थोड़ी सी भक्ति करे, थोड़ा सा भगवान का नाम ले और मुक्ति के द्वार से प्रवेश हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं कर पाता है, भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है और मुक्ति के द्वार से वापस लौटना पड़ता है। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी हम बच्चे हैं, हम जवान हैं, जब बूढ़े होंगे तब करेंगे। मेरा कहना यह है कि बुढ़ापा आएगा या नहीं इसका कोई भरोसा है? हो सकता है आदमी जवानी में मर जाए। कहते ना कुछ लोग कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में आदमी अपने बल से बाथरूम भी नहीं जा सकता, वो भजन क्या करेगा, भक्ति क्या करेगा। भजन करने में देरी ना करे, भजन तुरंत करे। अब आपको ज्यादा क्या सुनाऊं, रामायण में प्रसंग है कि महाराज दशरथ अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा। अयोध्या की खचाखच भरी हुई सभा में उच्च सिंहासन पर राजाधिराज महाराज दशरथ बैठे हैं और उसी समय महाराज दशरथ का मुकुट हिल गया। उसे ठीक करने के लिए उनके कुछ अनुचर मिरर लेकर, कांच लेकर आए। राजा दशरथ मुकुट को ठीक करने गए तो अपने कान के ऊपर दो सफेद बाल को देख लिया, बिल्कुल कान के ऊपर दो सफेद बाल। और उसी समय महाराज दशरथ के हृदय में दुख हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, हृदय बहुत दुख लाग, दशरथ जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। हम भी जब सफेद बाल देखते हैं तो हमारे दिल में भी दुख होता है, लेकिन किस बात का, अब सलून जाना पड़ेगा, डाई करानी होगी, काले कराने पड़ेंगे। लेकिन धन्य है महाराज दशरथ। कहते हैं, हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना, भय उन विषय विराग और भवत बसत वा चौथपन। मेरे जीवन का चौथापन आ गया, जीवन का लंबा समय बीत गया, बुढ़ापा आ गया, संसार के प्रति वैराग्य नहीं हुआ और ईश्वर के प्रति अनुराग नहीं हुआ। हाय रे, मेरा जीवन धिकमाम धिकमाम, धिक्कार है मेरे जीवन को। दशरथ जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ और उस समय बिल्कुल बगल में वशिष्ठ जी बैठे थे और दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव
गुरुदेव अब मैं भजन करना चाहता, मैं भक्ति करना चाहता हूं और रघुकुल की रीत के अनुसार मैं मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूं। गुरुदेव राम को राजा बनाने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त बताइए। आप सब जानते हैं ना वशिष्ठ जी ने क्या कहा। वशिष्ठ जी कहते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। महाराज राम को राजा बनाना है तो मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, जिस घड़ी में जिस नक्षत्र में जिस समय में राम राजा बनेंगे वह सारा समय नक्षत्र घड़ी अपने आप पवित्र हो जाएगा। महाराज भजन करना है तो मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, जिस दिन शुरू किया वही सबसे अच्छी घड़ी है। इतिहास गवाह है भक्तों कि गुरुजी ने कहा कि अभी इसी समय राम को राजा बनाओ और आप अपना भजन शुरू करो। लेकिन दशरथ जी ने क्या कहा, गुरुदेव मुझे एक दिन दे दीजिए, मुझे 24 घंटे दे दीजिए, एक दिन के बाद राम को राजा और मैं वनवास, मैं भजन करूंगा। इतिहास साक्षी है कि एक दिन की मुद्दत, एक दिन की देरी अयोध्या के नक्शे को पलट दिया, बर्बाद कर दिया अयोध्या को। वो एक दिन की देरी भजन भक्ति में, एक दिन की देरी 14 वर्ष के लिए अयोध्या में दीपक नहीं जलने दिया। उस एक दिन की देरी ने समस्त अवध वासियों की आंखों में 14 साल के लिए आंसू नहीं सूखने दिया। उस एक दिन की देरी ने राम को वनवास दे दिया। भजन करने में एक दिन की देरी ने महाराज दशरथ का प्राण ले लिया। इससे बड़ा गवाह और क्या हो सकता है। भजन में देरी करने से कितना नुकसान, कितना लॉस आपके सामने है। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, क्षणभंगुर है। ऐसे मनुष्य जीवन में भजन करने की एक दिन की भी देरी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। महाभारत में कर्ण की कथा आती है। कर्ण जानते ना, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र, सूर्य के अंश से जन्म हुआ। कर्ण महाभारत का अद्भुत पात्र, मेरा प्रिय पात्र है कर्ण। कर्ण के ऊपर कथा करनी है, है? बड़ा वीर था कर्ण। कर्ण के विषय में भारत के कवियों ने कहा है कि कर्ण के जीवन में बहुत सारी दुर्घटना घट गई। यदि कर्ण के जीवन में गुरु ने श्राप न दिया होता, इंद्र ने छल न किया होता और कृष्ण ने कपट नहीं किया होता तो अकेला कर्ण पूरे पांडवों को चने की तरह चबा दिया होता। अकेला कर्ण सूर्य के अंश से जन्म लिया, लेकिन एक गलती कर दिया कर्ण, एक गलती। और वह गलती क्या थी कि सूर्य के अंश से जन्म लिया और अंधे के बेटे का संग किया। संगति में बड़ी ताकत होती है भक्तों। सूर्य का बेटा और अंधे के बेटे की संगति, मरना पड़ा। नहीं तो कर्ण बड़ा महान था। कर्ण दानवीरों का जब लिस्ट निकलता है तो कर्ण का नाम सबसे पहले होता है। दानवीर था कर्ण। रोज सुबह उठकर कर्ण ब्राह्मणों को दान करता था। एक दिन दान करके वापस लौट रहा था। एक ब्राह्मण बेचारा लेट हो गया, देरी से आया तो कर्ण ने कहा रुको रुको, अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री अपने धन कोष खजाने से कुछ धन लेने गए। वो आदमी आए उसके पहले तो कर्ण अपने हाथों से अंगूठी निकालकर, राइट हैंड से अंगूठी निकालकर उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। ब्राह्मण चला गया। कर्ण का आदमी दौड़ते हुए आया, महाराज मैं तो आपके लिए लेने गया था और आप एक मिनट भी राह नहीं देखे।
कर्ण ने कहा कि सदकर्म में देरी अच्छी नहीं है। मन में अच्छा विचार आया तो देरी क्यों करना। तब उस कर्ण के मंत्री ने कहा, महाराज लेफ्ट हैंड से दान किया आपने, एटलीस्ट आपको अंगूठी राइट हैंड में लेकर देना चाहिए था। कुंती के पुत्र कर्ण ने इतना ही कहा कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में अंगूठी लेता और उतने समय में मेरा मन बदल जाता तो मन का क्या भरोसा, मन का क्या भरोसा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी इस घड़ी में आप सबके मन में होना चाहिए कि यार करने जैसा तो भजन है, भक्ति ही करनी चाहिए। और जैसे इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे सबका मन बदल जाएगा। मन का क्या भरोसा। एक घड़ी में इस हाथ से अंगूठी इस हाथ में लेता और देता तो उतनी एक घड़ी में यदि मन बदल जाता, विचार बदल जाता तो दान के फल से मैं वंचित रह जाता। भजन करने में एक घड़ी की भी देरी नहीं होनी चाहिए, तुरंत भजन करें, क्योंकि मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमारे भारत के संतों ने गाया है, हो साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। शमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी के। क्या कहते हैं, शमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी के। हो नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जैसे ये हवा आए और मोमबत्ती दिया बुझ जाए, वैसे काल की थप्पड़ लगेगी, प्राण निकल जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। और फिर क्या होगा, नाम रह जाएगा आदमी का। फिर क्या रहता है, उस आदमी का फोटो फ्रेम में फोटो चढ़ जाता है और नीचे लिखा होता है स्वर्गवास फलाने फलाने भाई, सीधा नरक में गया है, लेकिन लिखते हैं स्वर्गवास है। लिखना तो स्वर्ग ही पड़ेगा ना, लेकिन गया है, उसके कर्म जो है वो तो सीधे बता रहे हैं कि भाई ये नरक में गया है। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरे पिताजी जब मर रहे थे तो भगवान के सामने देख रहे। तेरा बाप कभी भगवान के सामने देख सकता है, जीवन भर दारू पीता था। फिर क्या, मन को मनाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे पिताजी मरते समय भगवान का, तेरा बाप मरने से 2 महीने पहले ही बोलना बंद कर दिया था, तो क्यों झूठ बोल रहा है। मुकुंद माला स्त्रोत कुलशेखर आलवार ने कह दिया, प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते। प्राण के प्रयाण का समय जब आता है तो कप पीत से गला भर जाता है, मुख से शब्द नहीं निकलता है, न आंख देख पाती है न कान सुन पाता है। कब भगवान का नाम लोगे, भगवान का नाम लेने का सही समय आज और अब है, देरी मत कीजिए। हमारे ब्रज के संत ने बहुत सुंदर कहा,
क्षणभंगुर जीवन की कलिकाकल प्रहत में जाने खिली न खिली। ये जीवन क्षणभंगुर है, यहां पर भी कहा देही नाम क्षणभंगुर है। क्षण कब कब काल आए और हम मर जाए कोई भरोसा नहीं। हम लोग सब रात को शाम को घर जाएंगे, सुबह जगेंगे या भी नहीं, इसका क्या भरोसा। वो कहते हैं क्षणभंगुर जीवन की कलिकाकल प्रहत में जाने खिली न खिली। मलियाचल की मंद लहर सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट जिली न जिली। रटले अरि जीवा कृष्ण को नाम तू अंत समय पे हिली न हिली। अरि जीवा तू कृष्ण का नाम ले ले, क्योंकि अंत समय में तू हिलेगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज और अभी हरे कृष्णा ही इसका कोई भरोसा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। भजन करे तो दुर्लभम मानुषम देहो देही नाम क्षणभंगुर। इतना समझ में आ गया। कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है समझ में आ गया। अब आगे क्या कहते हैं हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी, स्कंद पुराण में व्यास मुनि आगे कहते हैं तत्रापि दुर्लभम कालः। और मनुष्य जीवन से भी अधिक दुर्लभ क्या है, कार्तिक हरिवल्लभ है। मनुष्य जीवन से भी अधिक अधिक दुर्लभ ये कार्तिक महीना है। तत्रापि दुर्लभम कार्तिको हरि वल्लभ, क्योंकि ये कार्तिक महीना हरि वल्लभ, वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय। ये कार्तिक महीना हरि वल्लभ, हरि का प्रिय महीना है। मेरे श्याम का, मेरे कृष्ण का है ये प्रिय महीना है। इसलिए मनुष्य जीवन से भी अधिक दुर्लभ है ये कार्तिक, पवित्र कार्तिक मास। जैसे पुराण में लिखा है यथा नदी नाम विप्रेंद्र शेला नाश्चैव नारद उदधी नाश्च विप्रशे क्षयो नैवो पपद्यते। जैसे नदी का कभी नाश नहीं होता, जैसे पर्वत का कभी नाश नहीं होता है, जैसे भगवान का कभी विनाश नहीं होता, वैसे ही कार्तिक में किया गया दान पुण्य धर्म उसका कभी नाश नहीं होता है, ऐसा पुराण में कहा गया। न कार्तिक समो मासो न कृते न समम युगम न वेद सदशम शास्त्र न तीर्थ गंगा या समह। अधिक क्या बताए कि जैसे भागवत जैसा कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जैसी कोई नदी नहीं है, और विष्णु जैसा कोई देवता नहीं है, और कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं है। स्कंद पुराण में लिखा गया गंगा जैसी कोई नदी, गंगा की तुलना कौन कर सकता है। गंगा गंगेति यह ब्रुयात, गंगा में स्नान करो गंगा पान करो ये दूर की बात है, गंगा गंगेति यह ब्रुयात, यदि कोई गंगा का नाम ले लेता है तो करोड़ों करोड़ों जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। तो जैसे नदी में गंगा, देवताओं में भगवान विष्णु, शास्त्र में भागवत, और सभी महीनों में श्रेष्ठ कार्तिक महीना माना गया है। क्यों? क्योंकि दीपे नापी त्रासो प्रियते हरिरीश्वर सुगतिश्च ददात्येव परि प्रबोधनादनात्। आप लोग रोज दामोदर अष्टकम गाते हो और भगवान दामोदर को दीप अर्पण करते हो, हैं? उसकी महिमा बताते हैं
कि कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं, क्यों? क्योंकि दीपेन अपि ही यत्रासो, इस कार्तिक महीने में भगवान को मात्र एक दीप दिखा देने से प्रियते हरि ईश्वर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य अन्य युगों में, अन्य अन्य समय में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये डिवोटी भक्त लोग सुबह मंगला आरती में जगना पड़ता है, चार नियम का पालन करो, 16 माला जाप करो, एकादशी व्रत करो, क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन इस कार्तिक महीने में दीपेन अपि ही तत्रासो प्रियते हरि ईश्वर, भगवान को एक दीप दिखा देने से हरि ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? तब जो बुद्धिजीवी आदमी है ना, प्रश्न पूछेगा कि हम भगवान को दीप दिखाते हैं लेकिन ये हमारे पैसे का दीप कहाँ है, ये तो बस बाहर का दीप है, यजमान का रोटी, यजमान का घी, साबत साबत बाबा जी, ये तो सब, ये हमारा हमारा पैसा थोड़ी लगा है इसमें। किसी का प्रश्न हो है, किसी के मन में प्रश्न हो, हम आते हैं भगवान को दीप दिखाते हैं लेकिन ये हमारा दीप नहीं, हमारी बाती नहीं, हमारा घी नहीं, हमारी अग्नि नहीं, हम तो बाहर का दीप और हम दिखा कर चले जाते हैं, क्या ये करने से भी पुण्य मिलता है? तब पद्म पुराण में लिखा है, सुगतिश्च ददात्येव पर दीप प्रबोधनात्, अपने पैसे का अपना दिया यदि भगवान को दिखाए तो पुण्य मिलता है, लेकिन पर दीपे अपि, लेकिन दूसरे का भी दीप हो, जैसे आप यहां पर दूसरे का भी दीप हो और यदि भगवान के सामने हम अर्पण करते हैं तो सुगतिश्च ददात्येव, उस व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा पवित्र कार्तिक मास, ऐसी पवित्र कार्तिक महिमा, और इस कार्तिक महीने में भगवान की अनेकों लीला हुई, उनमें से एक लीला जिसमें माँ यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया, ऐसे भगवान की दामोदर लीला हम सब यहां पर श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया, क्या श्रवण किया था याद है? कल हमने क्या सुना था? गोकुल में भगवान कृष्ण माखन चोरी कर रहे हैं और गोपियां शिकायत कर रही हैं। कृष्ण की मधुरी माँ में, कृष्ण की मधुरता में माखन चोरी लीला एक विशेष अपना स्थान रखती है। रूप गोस्वामी पद्यावली में एक श्लोक में भगवान कृष्ण की एक माखन लीला का वर्णन करते हैं। कृष्ण लगभग 2.5-3 साल के होंगे, अभी बराबर चलना भी नहीं सीखे हैं, और कृष्ण सोच रहे हैं कि आगे चलकर मुझे गोकुल में चोरी करनी है, क्यों ना घर से ही प्रैक्टिस शुरू करूं। रूप गोस्वामी पद्यावली, नेट प्रैक्टिस घर पर कर ले ताकि बाहर चोरी करने में फिर पकड़े ना जाए। ये थी कृष्ण के जीवन की प्रथम चोरी। कृष्ण अपने ही घर पर, आप लोग ब्रज में गए हो तो शायद याद हैं, ब्रज में महावन में गोकुल में नंद बाबा का भवन है और उसमें 84 खंभे लगे हुए हैं। उन दिनों ये सारे खंभे मणियों के बने हुए थे, बिल्कुल मिरर की तरह अपना चेहरा दिखाई देता था। कृष्ण ने मटकी हाथ में ले ली, उसमें डाला हाथ और माखन लेकर चुरा कर जैसे ही जा रहे थे, दूर एक लड़का खड़ा देख लिया। अब वो कोई लड़का नहीं था, वो तो अपना ही प्रतिबिंब उस खंभे में दिखाई दे रहा था, लेकिन भगवान इतने छोटे हैं कि ये भी नहीं जानते हैं कि ये मेरा प्रतिबिंब है। कृष्ण को लगा कि कोई लड़का खड़ा है
और पहली बार चोरी कर रहा था और मैं पकड़ा गया। कृष्ण उस लड़के के पास जाते हैं। अब मिरर के सामने आप चलोगे तो प्रतिबिंब भी चलेगा। कृष्ण सोचा बच्चा सुशील है, मैं उनके पास जा रहा हूं तो वो भी मेरे पास आ रहा है। कृष्ण ने कहा अब वो छोटे से बच्चे, वो छोटा सा लाला अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहा है। कृष्ण कहते हैं देखो पहली बार चोरी कर रहा हूं, बड़ा प्रयास किया कोई देखे नहीं, लेकिन आपने देख लिया। डर इस बात का है कि मां को मत बताना। वो तो प्रतिबिंब था, वो क्या बोलेगा, वो तो खड़ा था ऐसे ही। कृष्ण ने सोचा कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है। कृष्ण ने कहा एक काम कर, इसमें से आधा माखन तुझे दे देता हूं, 50-50% पार्टनरशिप कर लेते हैं, लेकिन मां को मत बताना। प्रतिबिंब तो सीधा सीधा खड़ा था। कृष्ण ने कहा अच्छा, अब अपने से ही बात कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा अच्छा 50% में इंटरेस्ट नहीं है, 80% चाहिए। ठीक, 80% तुम रख लो, 20% में रखता हूं, मां को मत बताना। वो तो ऐसे ही खड़ा था लड़का। कृष्ण ने कहा 80 भी नहीं, एक काम करिए सारा माखन तू रख ले, मां को मत बताना। फिर भी वो ऐसे ही खड़ा रहा। वो तो प्रतिबिंब था, वो तो अपना ही रिफ्लेक्शन था। तब कृष्ण को क्रोध आया कि 50% भी नहीं, 80 भी नहीं, 100 भी नहीं, इसका मतलब यह है कि तुझे मां को बताना ही है। जा जाके मां को बता दे, मैं कोई मां बाप से डरता नहीं हूं। अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं और आश्चर्य की बात यह है कि एक गोपी खिड़की में से यह देख रही है। कृष्ण ब्रज में योग माया में इतने आवृत हो जाते हैं कि अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं कि मैं भी कोई ईश्वर हूं, मैं भी भगवान हूं। कृष्ण ब्रज में, इसलिए हमारे वहां गाते हैं ना, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, बड़े बड़े देव द्वार के ठाड़े, बड़े बड़े देव द्वार के ठाड़े, बात ताकत मुरारी गुलाम तेरो बनवारी। बड़े बड़े देवता जिस भगवान का दर्शन एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, अपना मस्तक झुकाकर खड़े रहते हैं बड़े बड़े देवता जिस कृष्ण के पास, लेकिन वही कृष्ण ब्रज में गोपियों के हाथों से पीट जाते हैं। गोपियां गाली भी देती हैं, हैं ब्रजवासी पीटते हैं। रसखान जी ने एक बहुत सुंदर पद लिखा, वे कहते हैं शेष दिनेश गणेश महेश सुर सेहु जाहि निरंतर द्यावे, नारद से शुक व्यास रहे पछिहारी पुनीतव पार न पावे। जिस कृष्ण की हम, जिस श्याम सुंदर की कथा सुन रहे हैं ना, उसके विषय में रस खान जी ने क्या कहा कि बड़े बड़े लोग इनका ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान में भी जिसकी छवि प्राप्त नहीं कर सकते। शेष दिनेश गणेश महेश सुरसेव जाहि निरंतर ध्यावे, और नारद से शुक व्यास रहे पछिहारी पुनीतव पार न पावे। नारद व्यास शुकदेव सूत ये सब लोग कथा गाते रहते हैं लेकिन आज तक अंत नहीं कर पाए। जाहि अनादि अखंड अभेद, जो अनादि है, जो अखंड है, जो अभेद है, जो दुर्लभ है, जो योग योगेश्वर है, जो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन ऐसे अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की गोपियां, ब्रजवासिन की छोहरिया छछिया भरी छा छपे नाच नचावे। इतने महान भगवान श्री कृष्ण को ब्रज में ब्रज की गोपियां एक ग्लास छाछ पिलाने के लिए, कृष्ण तुझे छाछ चाहिए तो ठुमका लगाना होगा, उस एक ग्लास मठे के लिए कृष्ण ठुमका लगाते हैं।
कृष्ण नाच नाचते हैं, ये हैं ब्रज, ये हैं ब्रज की लीला, अत्यंत मधुरता है, योग माया में पूर्ण आवरिष्ट है। ऐसे भगवान कृष्ण ब्रज में माखन चोरी लीला करते हैं। गत सत्र में आपने सुना कि ब्रज की समस्त लगभग सभी गोपियां माँ यशोदा के पास आई, शिकायत करने लगी कि रानी जू आपके बेटे को लेकर चली जाओ, क्योंकि हमें बड़ा परेशान करता है ये बालक। कृष्ण कहते हैं कि माँ इन गोपियों की बातों में तू मत आना, ये सब झूठी है, ये सब झूठ बोल रही हैं। एक बार ये सारी गोपी बैठी थी और प्लान बना रही थी और मां मैंने सुन लिया था, ये सारी गोपियों ने प्लान बनाया है कि कृष्ण इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि हम इसकी शादी नहीं होने देंगे। और कैसे इनकी शादी रुके, हम इसको बदनाम करेंगे ताकि इसकी शादी नहीं होगी। तो मां ये लोग जानबूझकर मुझे बदनाम करना। गोपियां कहती तुझे बदनाम करके हमें क्या मिलेगा। सो इस प्रकार गोपियां शिकायत करती हैं कि कृष्ण हमारे घर पर माखन चुराता है। गत सत्र में आपने विस्तार से सुना। अंत में उस गोपी ने कहा था कि अकेला कृष्ण आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरी टीम को साथ में लाता है, और टीम में भी हमारे ब्रज के बच्चे हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बंदरों को साथ में रखता है। माता जी ये बंदर, इनकी टीम में बंदर है। मैं कल कह रहा था कि तक्र शक्रश्च दुर्लभम, जहां इंद्र को छांस दुर्लभ है वहां भगवान कृष्ण बंदरों को गाय का ताजा माखन खिला रहे हैं। हमारे भागवत के ऊपर अनेक लोगों ने टीका लिखी, शिपा श्रीधर स्वामी, बलदेव विद्याभूषण, वीर राघवाचार्य, वंशीधर जी, भागवत के दशम स्कंद पर हरीशुरी जी ने बहुत सुंदर टीका लिखी। उनमें वे कहते हैं कि कृष्ण ने बंदरों को माखन क्यों खिलाया। कृष्ण ने सोचा कि पूर्व लीला में हैं, राम लीला में, राम अवतार में ये बंदरों ने मुझे बहुत हेल्प किया था। सही बात है ना, जब राम अवतार था तो इन वानरों ने मुझे सीता को खोजने में, रावण के साथ युद्ध करने में, समुद्र पर सेतु बनाने में इन वानरों ने बहुत मेहनत की थी। और उस त्रेता युग में क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, मैं मर्यादा में था, इसलिए इन वानरों को कुछ नहीं दे पाया, लेकिन उस समय में मर्यादा में था, इस समय तो अमर्यादित है। राम मर्यादा में, कृष्ण को कहे कि मर्यादा है, ये तो बिल्कुल अनलिमिटेड, नो मर्यादा, कोई मर्यादा नहीं। नहीं तो आप सुनिए कि जब हमारे महाराष्ट्र में राम पहुंचे, राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में रह रहे थे, और रावण की बहन शूर्पणखा आई, सीधे राम को प्रपोज किया, जैसे आज की लड़की कॉलेज में लड़के को करती है। जितनी भी लड़की प्रपोज करती है वह शूर्पणखा की बहन है, ये कोई संस्कृति है, आर्यवर्ष की संस्कृति है कि बेटियों का विवाह माँ बाप तय करते हैं, और बेटी को विश्वास होना चाहिए कि मेरे माता पिता जहां कहीं भी मेरा विवाह तय करेंगे वो सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट होगा। और जब तक ये परंपरा थी हमारे देश में डिवोर्स नहीं था, तलाक नहीं थी, लेकिन जब से बच्चों ने अपने मन अपनी बुद्धि से खोजना शुरू किया है, लव मैरिज शुरू किया है, तब से डिवोर्स शुरू होने लगे हैं। अपनी बुद्धि से बंदा मारी खा जाएगा, क्योंकि आजकल मेकअप इतना करके आती है, कितना मेकअप है यार। एक बार एक माता जी, अब तो फेस लॉक आ गए ना मोबाइल में, पहले तो नंबर लॉक थे, अब तो फेस लॉक, ऐसे फेस डिटेक्ट करता है और फिर लॉक खुलता है। मेकअप से पहले लॉक किया, मेकअप के बाद कैमरे ने कैचअप नहीं कर पाया, बेचारा ये कंफ्यूज हो गया कि ये वही थी कि दूसरी आई है।
मेकअप देखकर कोई शादी तय मत करना। एक एक इंच का मेकअप होता है, एक इंच का होता है। और मेकअप करने वाली को लगता है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूं, एक बार किसी साधु को पूछो तो पता चले कि हूबहू पुतना लग रही हो। क्योंकि पुतना का वर्णन जहां भागवत में है लगभग ऐसा ही है जैसे तीन चार घंटे ब्यूटी पार्लर से कोई बाहर निकले और जैसी लगती वैसी पुतना लगती थी। ऐसा है पुतना का वर्णन, लाल कलर के बाल थे उसमें हाईलाइट की हुई थी, नहीं होते आज की माताओं में, नाखून लंबे लंबे थे न जाने किस हिरणाकश्यपु को फाड़ने के लिए, तो किसी ने कहा अपने पति को फाड़ने के लिए रखते हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ये मात्र हमारी बहनों का माताओं का वहम होता है कि मेकअप करने से मैं अच्छी लगती हूं। मेकअप से कोई अच्छा नहीं लगता, याद रखे, अपने सास ससुर की सेवा, माँ बाप की सेवा, बच्चों की सेवा, घर का ध्यान और भजन करते करते वस्त्र का कोई ध्यान न रहे, बालों का कोई ध्यान न रहे, शरीर का कोई ध्यान न रहे, लेकिन सास ससुर की सेवा, माँ बाप की सेवा, बच्चों की सेवा, पति की सेवा करने में जो सुंदरता है वो मेकअप करने में नहीं है। मेकअप में नहीं है। एक बार एक आदमी बहुत दारू पी लिया, एक आदमी ने, मॉरिशस की बात है या यहां की मैं बात कर रहा हूं, एक आदमी ने दो बोतल, तीन बोतल, चार बोतल पीता गया और फिर तो जानते हैं बहुत दारू पीता है तो नशा चढ़ता है, इसको नशा चढ़ा और चिल्लाने लगा आ जाओ कोई मेरे साथ युद्ध करने के लिए, किसमें दम है, किसमें ताकत है, मेरे साथ फाइटिंग करो। दो पांच लोग चौराहे पर बैठे थे, कहा कि हमारे सामने क्या अपना बल दिखा रहा है, यदि तेरे में ताकत है तो रात को 12 बजे शमशान में बैठकर दिखा। ये तो मार दिया था बोतल, पांच बोतल, ये तो नशे में था, बोले डरता हूं मैं, नहीं डरता हूं, ऐसे करके शमशान में चला गया, रात को 12 बजे जाकर शमशान में बैठा। और आप तो जानते हैं शमशान में भूत होते हैं, केवल सुन लीजिए ऐसा कुछ होता नहीं है, शमशान में भूत होते हैं है? और रात को 1:30 बजे एक चुड़ैल पैदा हुई, सफेद साड़ी, बाल बिखरे हुए, बिल्कुल भयानक चुड़ैल पैदा हुई और ये पांच बोतल मार के बैठा था, चुड़ैल उसके सामने आई, सामने आती है, बाजू में आती है, पीछे जाती है, यहां आती है, डराती है। 3 घंटे के बाद वो चुड़ैल उस शराबी के चरणों में गिर गई कि मेरा नाम सुनकर लोग कांपते हैं और 3-3 घंटे से मैं तुझे डरा रही हूं, तुझे डर नहीं लग रहा है, चुड़ैल का नाम सुनकर लोग कांपते हैं और मैं तुझे 3-3 घंटे से डरा रही हूं, तुझे डर नहीं लगता। उस आदमी ने कहा कि तेरे से डेंजर तो मेरे घर पर है, वो जब मेकअप करती है ना तो तेरे से ज्यादा डेंजर लगती, तू तो हीरोइन लगती, हीरोइन बैठ जा मेरे बाजू में। हमारे देश में जो मंगलसूत्र चुराता है ना, मंगलसूत्र जानते हैं, शादीशुदा माताजी जो, हमारे देश में जो मंगलसूत्र चुराता है उसको 3 महीने की सजा और जो डालता है उसे जीवन भर की सजा। कुछ लोगों को कल सुबह समझ में आएगा, बाथरूम में नहाते नहाते सोचेगा अरे यार ये तो ये था। खैर, शूर्पणखा आई सीधे राम के पास, ये प्रपोज की बात हो रही थी अभी याद आ गया, राम को प्रस्ताव रखा, राम तुम बहुत अच्छे हो, मेरे लायक कोई मिला नहीं, तुम मेरे लायक हो, मेरे साथ शादी करो। राम ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रत धर, एक वचन, एक बाण, एक पत्नी, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, हाँ मेरा भाई लक्ष्मण अकेला है, तुम उनके पास जाओ। अभी इसको तो क्या था, ये प्रपोज करने वालियों को तो कोई चाहिए, ये हो या ये है। वो गई लक्ष्मण के पास, वही डायलॉग लक्ष्मण के पास जाकर मारा,
कि लक्ष्मण तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम मेरे साथ शादी करो। लक्ष्मण ने कहा मैं तो खोज ही रहा हूँ कि कोई मिल जाए, अपनी भी कट जाए। खैर मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो जितेंद्रिया है। लेकिन देखो शूर्पण का, मेरे साथ शादी करने में तुम घाटे में रहोगी। घाटा क्या है? बोले राम जो है राजा है, राम के साथ शादी करोगी तो राज रानी बनोगी और मैं उनका दास हूं, मेरे साथ शादी करोगी तो दासी बनोगी। दासी बनना है कि रानी बनना है? मुझे तो रानी बनना है। तो जाओ राम के पास। शूर्पण का राम के पास, राम लक्ष्मण के पास। शूर्पणखा की हालत फुटबॉल जैसी हो गई। दोनों भाई लात मार के यहां से वहां भेजते हैं। इतिहास गवाह है कि अंत में शूर्पणखा की नाक काट दी, कान काट दिए, लेकिन विवाह नहीं किया। ठीक है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह प्रस्ताव यदि कृष्ण के पास रखा होता तो। शूर्पणखा ने यह प्रस्ताव कृष्ण के पास रखा होता तो कृष्ण कहते शूर्पणखा राम मर्यादा में है, मैं थोड़ी मर्यादा में हूं, यह तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। शूर्पणखा तुम आ जाओ, तुम्हारी कोई बहन है उसे भी लेकर आओ, तुम्हारी कोई सखिया सहेली है ऑल सेल में सबको लाओ, मैं तो सबको अपनाने वाला आदमी, पूर्ण पुरुषोत्तम। फिर ब्रज की गोपी हो, मथुरा की कुबजा हो या द्वारिका की महिषिया हो, कृष्ण सबको अपनाते हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो भगवान ने सोचा कि इन वानरों ने मुझे बहुत मदद की थी, उस समय मैं इनको कुछ नहीं दे पाया। राम अवतार में भगवान के मन में जो जो अधूरी रह गई इच्छा, कृष्ण अवतार में सब पूरा कर दिया। नहीं तो आप विचार कीजिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा, थोड़ी सी बुद्धि। कृष्ण और बलराम मथुरा गए, ठीक है ना, आप जानते हैं ना। कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी आए और अक्रूर जी मथुरा में जब लेकर आए तो मथुरा के लोग लट्टू हो गए, क्योंकि मथुरा के लोगों ने सुना था कृष्ण कैसे हैं क्या हैं, लेकिन आज आंखों से देख रहे हैं। और मथुरा के लोग हैं मन ही मन भावना करते हैं। एक सखी दूसरी सखी को कहती है, अइल राम श्याम सखी, भोजपुरी में, अइल राम श्याम सखी मथुरा नगरिया में, रही तंत राख लेती मन की अटरिया में, कौन भारी तप केली गोकुला के बाला, कौन भारी तप केली गोकुला के बाला, बंधले सनहिया में बाके नंद लाला, बंधले सनहिया में बाके नंद लाला। मथुरा की महिषी स्त्री अपनी सखी को कहती है, री सखी, सखी इतने सुंदर कृष्ण, ये प्यारे श्याम सुंदर आज हमारे मथुरा में आए हैं, मन तो कर रहा है कि श्याम सुंदर को अपनी अखबार में भर लूं, लेकिन क्या करूं, भाग्य की रेखा बहुत छोटी पड़ रही है। विधाता ने भाग्य की रेखा को बहुत छोटी बनाया, नहीं तो कृष्ण को अपने आलिंगन में ले लेती, अपने भुजाओं में भर लेती। कौन भारी तप केली गोकुला के बाला, बंधले सनहिया में बाके नंद लाला। गोकुल में रहने वाली गोपियों ने कौन सा बड़ा तप किया था कि इन प्यारे श्याम सुंदर को अपने बंधन में बांध लिया। सो इस प्रकार कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे। सुखदेव जी ने कह दिया,
वसुदेव सुतह वीक्ष प्रीता दृष्टि न आददु। एक बार कृष्ण के ऊपर दृष्टि गई तो गई, अब लौटने का नाम नहीं लेती थी। इतने सुंदर भगवान कृष्ण लगते थे। ऐसे कृष्ण जब मथुरा में पहुंचे, अब आगे की कथा ध्यान से सुनिएगा। कुबजा मिली, उसका उद्धार कर दिया। सुदामा माली मिला, उनका उद्धार किया। कृष्ण ने सोचा कि हम शहर में सिटी में आए हैं और गांव के कपड़े हैं, हम थोड़े अच्छे कपड़े पहने। तो दूर से एक धोबी आ रहा था। धोबी की कथा भागवत में वर्णन। धोबी आया, कृष्ण ने दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से कहा कि अरे धोबी, मेरे और मेरे भाई के लिए कोई अच्छे वस्त्र दे दो ताकि हम पहन सके। धोबी कुछ नहीं बोला। कृष्ण ने फिर से कहा कि अच्छे नहीं दे सकते तो कोई रिजेक्शन पीस दे दो, लेकिन दे दो हम दोनों के लिए। फिर भी कुछ नहीं बोला। कृष्ण आगे कहते हैं कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं, दो जोड़ी कपड़े दे दो हमें। धोबी का दिमाग हट गया और धोबी कृष्ण को बड़ी बड़ी गाली देने लगा। गाली की साइज होती ना इतनी इतनी इ, 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 इतनी बड़ी बड़ी देने लगा। भागवत में लिखा है, मुझे वो गाली बोलने का मूड नहीं है, सुखदेव जी ने लिखा है भागवत में। बड़ी बड़ी गाली कृष्ण को धोबी देने लगा। अरे तू अपनी औकात जानता है? तू गांव से आया और राजा के वस्त्र पहनेगा? अपनी औकात मत भूल और चले जा जहां से आया है वहां पर वापस। बहुत 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 गाली दिया धोबी। कृष्ण मन में सोचते हैं, यार सबके बीच में कचरा कर रहा है अपना, साइड में कोने में ले जाकर थप्पड़ भी मार दिया होता तो सह लेता, लेकिन सबके बीच में इज्जत, अपना नाम क्या रहेगा। अब देखिए भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण ने एक थप्पड़ धोबी को जोर से मारा, धड़ से मस्तक अलग हो गया। एक थप्पड़ मारने से मस्तक ही कट गया। ठीक है, यह कथा आपने सुना। और दूसरी ओर पुतना की कथा आपने सुनी। कृष्ण को मारने के लिए आई थी, स्तन पर विष लगाकर आई थी और कृष्ण ने पुतना को अपनी मां बना लिया। दोनों प्रसंग आप सोचिए, पूतना मारने गई थी, उसको मां बना लिया, और धोबी मार नहीं, धोबी ने मारा नहीं था कृष्ण को, केवल गाली दिया था। जो मारने आई है उसको मुक्ति दे दिया और जो गाली देता है उसको मार डाला। कुछ समझ में आ रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये धोबी और कोई नहीं, ये त्रेता युग वाला धोबी था। त्रेता युग में उस धोबी ने कहा था ना अपनी पत्नी को कि मैं कोई राम नहीं हूं कि दूसरों के घर पर पत्नी रहकर आए फिर भी अपने घर पर रख ले, और उस एक स्टेटमेंट के कारण भगवान रामचंद्र को अपनी पत्नी सीता को त्यागना पड़ा था। उस समय भगवान मर्यादा में बंधे हुए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब कृष्ण अवतार में आए और देखा वही साला धोबी आ रहा है, उस समय तो मर्यादा में था, हाथ बंधे हुए थे, और धोबी आया और वो थप्पड़ कितना जोर से मारा होगा कि मस्तक कट गया। कितनी त्रेता युग की खुन्नस भगवान के हाथ में आई और ये उठाकर एक ऐसा जोर से मारा जैसे धोनी है, वो बॉल आता है और इतना उठाकर इतना जोर से बॉल को मारता है स्टेडियम के बाहर जाकर गिरता है। कृष्ण ने एक थप्पड़ मारा, मथुरा के बाहर मस्तक जाकर गिरा। कारण यही था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो काम नहीं कर पाए कृष्ण ने किया, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है। सो कहने का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में पूर्ण है और सबको अपना सौभाग्य दिए है। राम अवतार में वानरों की सेवा नहीं कर पाए, उनको ठीक से पुरस्कार नहीं दे पाए, अतः कृष्ण लीला में कृष्ण वानरों को माखन खिला रहे हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है ना,
कृष्ण उसे कभी नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। तो इस प्रकार गोपियां शिकायत करके चली गई और यहां पर मां यशोदा मन ही मन चिंता करने लगी। मां यशोदा के मन में बेचैनी है कि मेरा बेटा चोरी क्यों कर रहा है, मेरे घर पर इतना माखन है, मेरे घर पर इतना उत्तम कोटि का हाई क्वालिटी का माखन है, फिर भी मेरा लाला दूसरों के घर पर चोरी क्यों कर। और मां का स्वभाव आप सब जानते ना, कोई बच्चा अपने स्कूल से पेंसिल चुरा कर लाया तो मां रोकती है, आज पेंसिल चुराया कल कुछ और चुराएगा। यशोदा ने सोचा कि आज माखन चुराया है, कल किसी लड़की को चुरा कर भाग जाएगा, लड़का बिगड़ रहा है, इसे रोकना चाहिए। यशोदा ने सोचा, लेकिन मां यशोदा अपनी पूरी बुद्धि खर्च कर दी कि कृष्ण मेरे घर का माखन न खाकर दूसरों के घर का माखन क्यों खाता है। पहले तो आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा है, आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा है कि घर पर माखन है न खाकर चोरी करके क्यों खाता है। मां यशोदा ने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा और इसका उत्तर मां यशोदा को इस कार्तिक महीने में दिवाली के दिन प्राप्त हुआ। ध्यान से सुनिएगा, इसका जवाब मां यशोदा को कार्तिक महीने में दिवाली के दिन प्राप्त हुआ। मां यशोदा के मन में क्लिक हुआ, निश्चित कृष्ण मेरे घर पर माखन नहीं खाता है, इसका कारण आज तक मेरे घर पर माखन मेरे दास दासियों ने बनाया, मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया, और न जाने मेरे दास दासी किस भाव में माखन बनाते होंगे, इसका क्या भरोसा। और भगवान भाव के भूखे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहां पर रेस्टोरेंट तो होगी ना, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो पहले तो रेस्टोरेंट में कैसा स्वागत करते हैं, आइए जी, आइए, पधारिए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट। लगता है कि बस यहीं पर रुक जाए, यहां से बाहर निकलने का ही मन नहीं होता है, इतना प्रेम से तो घर पर भी कोई नहीं बुलाता। कितनी कितनी लंबी लंबी स्माइल देते हैं, फिर बिठाते हैं, फिर रेस्टोरेंट का वो वेटर जो है वो मेनू लेकर आता है, सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, अब क्या लोगे। फिर हम कहते हैं कि हम कंफ्यूज है, तो फिर वो सजेस्ट करता है कि आप ये लीजिए, इसमें ये तड़का है, इसमें ये है, ये है। फिर हम कहते हैं हाँ ठीक है, सब लाओ लाओ लाओ। फिर क्या होता है, वो जो भी हमने मंगाया है वो लाता है, रखता है। अब आज तो एडवांस जमाना हो गया, पहले तो लाकर रख देता था, अब तो उसमें से ले लेकर परोसता है, उठाकर आप में डाला, आपकी पत्नी में डाला, बच्चे में डाला। अब एक नया जमाना आने वाला है कि वो आपके बाजू में बैठ जाएगा, वो आपके बाजू में बैठ जाएगा लिटरली, और फिर आपको खिलाएगा। कितना 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 अच्छा लगता है, है? तो रेस्टोरेंट में एक वेटर भोजन परोसता है, राइट, और घर पर एक मां अपने बेटे को भोजन परोसती है। दोनों कार्य तो सेम है, मां भी अच्छे से अपने बेटे को देती है। बाहर से देखा जाए तो दोनों कार्य सेम है, लेकिन तत्व से देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तत्व से देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट में वेटर जो भोजन परोस रहा है वो मां की तरह ही परोस रहा है, लेकिन उसका भाव क्या है, वो सेवा करने के पीछे भाव यह है कि मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी और अच्छी टिप मिलेगी, पैसे मिलेंगे, ये भाव है। और एक मां जब अपने बेटे को भोजन परोसती है तो उसमें स्वार्थ नहीं होता है, उसमें मात्र प्रेम होता है
कि मेरा बेटा भोजन करेगा, निरोग होगा, स्वस्थ होगा, है ना? कार्य समान है लेकिन दोनों के पीछे भाव का अंतर है। ठीक उसी प्रकार भगवान को भोग लगाते समय भाव शुद्ध होना चाहिए। यशोदा ने सोचा कि मेरे घर पर आज तक मैंने माखन नहीं बनाया और ये दास दासी किस भाव में भोजन, किस भाव में माखन बनाते होंगे, और इसलिए कृष्ण मेरे घर का माखन नहीं खाता और दूसरों के घर पर चोरी करके खाता है, क्योंकि वो लोग अपने हाथों से बनाते हैं, उसमें भाव है, प्रेम है। एक बात आप समझ लीजिएगा कि आप अपने घर पर 56 भोग बनाइए, 108 भोग बनाइए, लेकिन भाव न हो तो कृष्ण देखते भी नहीं है, और साग की पत्ती हो या केले का छिलका हो, यदि भाव है तो कृष्ण चोरी करके खा लेंगे, चुरा कर खा लेंगे। भाव महत्वपूर्ण है, इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया भाव ग्रही जनार्दन। हमारे भगवान भाव ग्रही है, भाव के भूखे। गीता में कृष्ण ने क्या कहा, आप ज्यादा न दे सकते हो कोई बात नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन शर्त क्या है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से, भाव से, भाव से। कई बार क्या होता है, हम होटलों से भोजन लेकर आते हैं और फिर भगवान को दिखाते हैं, ए लीजिए प्रसाद 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 सबके लिए प्रसाद प्रसाद, क्या खाक प्रसाद है वो, होटल में बनाने वाले ने किस भाव में बनाया, किस मूड में बनाया, किस पवित्रता से बनाया। चलो भगवान को भोग लगाया तो हो सकता है कि भगवान उनमें से जो पाप होगा वो हर लेंगे, लेकिन उसे शुद्ध प्रसाद तो नहीं कहा जाएगा। शुद्ध प्रसाद उसे कहते हैं जो भगवान के लिए बनाया जाए भगवान के उद्देश्य से। जब से सब्जी खरीदने जाते हैं वहीं से ही भगवान मन में होने चाहिए कि मेरे कृष्ण को लौकी की सब्जी खिलाऊंगी, मैं ये सब्जी खिलाऊंगी, मैं ये चीज बनाकर खिलाऊंगी। उसी समय से चिंतन होना चाहिए, सब्जी समारते समय, तड़का लगाते समय कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, और फिर कृष्ण को भोग लगाते हैं उसे शुद्ध प्रसाद कहते हैं। ये हमारे वहां क्या होता है, शाम के 5-6 बजते हैं और माँ बेटे को चिल्ला कहती है, चिंटू बेटा, चिंटू आज क्या क्या खाओगे, चिंटू अंदर से कहता है पास्ता। तो चिंटू के लिए बनता है पास्ता और बिल बनता है कृष्ण के नाम का, हाँ। भगवान को दिखाकर फिर चिंटू को खिलाते हैं। नो डाउट प्रसाद तो माना जाएगा लेकिन शुद्ध प्रसाद नहीं माना जाएगा। शुद्ध प्रसाद वो है जो भगवान के लिए बनाया जाए, भगवान के उद्देश्य से बनाया जाए। श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भातपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति के 9 प्रकार जो है, ये सारी भक्तियों में महत्वपूर्ण बात क्या है, इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत नव लक्षणा क्रियेत भगवत यद्दा तत्मन्ये अधित उत्तमम। इति पुंसा अर्पिता विष्णु, हमारी भक्ति भगवान को अर्पित करनी चाहिए, भगवान के लिए होनी चाहिए, नहीं कि मैं शुद्ध भक्ति की बात करूं। वर्तमान में जो भी स्थिति है धीरे धीरे करके हमें उस स्थिति पर पहुंचना है कि जीवन के प्रत्येक कार्य, हमारी प्रत्येक सांस भगवान के लिए चले। तो मां यशोदा समझ गई कि आज तक मेरे घर पर मैंने माखन नहीं बनाया और इन दास दासियों ने न जाने किस भाव में बनाया होगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दिवाली के दिन की बात है, एकदा गृहदासिषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु
निर्ममंथ स्वयं दधे। इसलिए दिवाली के दिन माँ यशोदा अपनी समस्त दास दासियों को अलग अलग कार्यों में अलग अलग सेवा में लगाकर निर्म मंथ स्वयं दधे, माँ यशोदा स्वयं अपने हाथों से दही को मथने के लिए माखन बनाने बैठी है। पूरी घटना समझ में आ गई? अब हम प्रारंभ करते हैं कथा को। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि दिवाली का दिन है, सुबह का भोर का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सब दास दासी अपना अपना काम कर रहे हैं और माँ यशोदा ने एक बहुत बड़े मटके में दही को जमा कर रखा है। पहले के जमाने में ग्राइंडर आदि नहीं था कि वो मशीन घुमाकर माखन बनाए। पहले के जमाने में बड़ा मटका हुआ करता था, उसमें मंथानी रखो और उस पर रस्सी बांधकर उसे खींचकर उस मंथानी को घुमाओ और फिर उसका माखन बनता था। माँ यशोदा माखन, दही का माखन बनाने बैठी है जीवन में प्रथम बार। और किसके लिए? किसके लिए तो बोलिए, कृष्ण के लिए। अब देखिए कि माखन बना रही है कृष्ण के लिए और माखन बनाते बनाते माँ यशोदा क्या कर रही है। हमारे घर जैसा दृश्य नहीं था कि अंदर रसोई घर में भोजन बन रहा है और पत्नी पति पर चिल्ला रही है कि ये कुछ काम का नहीं है, कुछ लाता नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। नहीं, माँ यशोदा के विषय में कहते हैं, यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्य गायत। माँ यशोदा कृष्ण के लिए माखन बना रही है और माखन बनाते बनाते यानी यानी ही गीतानी, माँ यशोदा गीत गा रही है। क्या गीत गा रही है? तद बाल चरितानि च, कृष्ण के बाल चरित्र को गा रही है। अब तक माता यशोदा ने अपने आंखों से कृष्ण की जिन जिन लीलाओं का दर्शन किया उनको छंद में बिठा बिठा कर, सुर राग ताल में बिठा कर माँ यशोदा गा रही है। स्त्रियों को गाने गाने में बड़ी एक्सपर्ट होती है, स्त्रियां गाने में एक्सपर्ट, कोई भी चीज गाकर सुना सकती, इवन गाते गाते रो भी सकती हैं। ये कला स्त्रियों के पास है, पुरुषों के पास नहीं। पुरुष गाते हुए रोता अच्छा भी नहीं लगता है। तो माँ यशोदा गा रही है, दधि निर्मंथने काले, दधि दही का मंथन करते समय स्मरंती तान्य गायत, माँ यशोदा गीत गा रही है। और माँ यशोदा हम सबको सीख उपदेश दे रही है। देखिए भक्तों, हम सब संसारी हैं, सन्यासियों की बात कुछ और है, हम सब संसारी हैं, हम सब गृहस्थ हैं और हम सब गृहस्थों का धर्म है कि हम काम करें, मेहनत करें, जॉब करें, नौकरी बिजनेस धंधा जो भी है हम अपना काम करें। काम करने में मना नहीं है, अर्जुन तो काम करना नहीं चाहता था, कृष्ण ने उनको काम करना सिखाया। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना और अर्जुन तो युद्ध करना ही नहीं चाहता था, कृष्ण ने कहा युद्ध करो। कृष्ण भी चाहते हैं कि मेरे भक्त काम करे, काम करे, लेकिन काम करने के साथ साथ जब काम करते हैं तो यानी यानी ही गीतानी भगवान का कीर्तन करे, मां यशोदा की तरह भगवान का कीर्तन करे। इससे बहुत लाभ होगा, ध्यान से सुनिएगा। चाहे घर का काम करो, ऑफिस का काम करो, चाहे कोई भी काम करो, काम करते समय भगवान का स्मरण या भगवान का कीर्तन करने से वो काम जो है आपको बोझ नहीं लगेगा,
वो काम आसानी से आपका सफल हो जाएगा। दूसरा लाभ, जो काम कर रहे हो उसका कर्म बंधन लगने वाला है, लेकिन कर्म करते समय भगवान का कीर्तन करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। और तीसरा, काम करते करते यदि कीर्तन करोगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और वैकुंठ का मार्ग खुल जाएगा। इसलिए जीवन में काम करते समय भगवान का कीर्तन करें। हमारे देश में तो गाया है ना, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम सीताराम गाइए कहिए, जाही विधि राखे राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राधे राधे श्याम कहिए, जाही विधि। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, राम नाम मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का निधान जान हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए, हरे राम 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 सीताराम राम राम गाइए, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, श्री रामचंद्र भगवान की। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, सीताराम 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 कही है। भगवान का नाम लेते रहे और भगवान का काम करते रहे, जीवन मंगल और सुखमय बीतेगा। प्रॉब्लम यही है कि हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, और इस कलयुग में पवित्र होने के लिए, सुखी होने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए और मरने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय और वो है हरि नाम। हरि नाम, गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा,
मैं बिल्कुल भागवत पर कह रहा हूं, यानी यानी ही गीता नहीं, माँ यशोदा कीर्तन कर रही है, भगवान का गीत गा रही है, नाम ले रही है। और कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग तो नाम के आधार पर है। चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आनी पाऊ। चारों वेद में चारों युगों में नाम की महिमा, लेकिन कलयुग में तो हरि नाम के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता। कलयुग में भगवान का नाम और महामंत्र, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, भगवान रामचंद्र शबरी को कहते हैं। एकमात्र हरि नाम की महिमा है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, भागवत कथा सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह युग हरि नाम पर आधारित है, भगवान के नाम पर आधारित है। माँ यशोदा कृष्ण के लिए माखन बना रही हैं और गीत गा रही हैं। अब सुखदेव गोस्वामी माँ यशोदा के वस्त्रों का वर्णन करते हैं कि यह कार्य करते समय माँ यशोदा ने वस्त्र कैसे पहने थे। अब इसका वर्णन करने की क्या जरूरत है, लेकिन याद रहे भक्ति में कपड़ों की भी बड़ी महिमा होती है, है? भक्ति में वस्त्रों की भी बड़ी महिमा। सौमम वासम पृथुकटितते बिभ्रति सूत्र नवदम, कितना एक एक सूक्ष्म वर्णन किया सुखदेव जी ने कि यशोदा ने क्या क्या पहना है और कैसे पहना है। भक्ति में वस्त्रों की कपड़ों की बड़ी महिमा है। आपका अनुभव होगा कि जब किसी शादी ब्याह में आप जाते हैं, खास करके माताएं पुरुष भी, केवल माता माता करूंगा तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा, पुरुष भी हैं, जब हम विवाह में जाते हैं और नए वस्त्र पहने हैं, मेकअप किया है, सब कुछ स्त्री टाइट है, पांच पांच मिनट में कॉम्प्लीमेंट मिलती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो हमें भी अंदर से उत्साह आता है। बाहर से हम कहते नहीं नहीं नहीं, लेकिन अंदर से बड़ा आनंद आता है कि नहीं सही। और पांच पांच मिनट में कॉम्प्लीमेंट मिलती है और 10-15 मिनट में कोई कॉम्प्लीमेंट न दे तो फिर वॉशरूम में जाकर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि भाई सब ठीक ठाक है। पुरुष लोग अपनी स्त्री को थोड़ी भी ये नहीं होने देते हैं, बिल्कुल सोच संभल कर बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं, फिर शादी में से शाम को घर पर आते हैं, बिस्तर के ऊपर सोते हैं, आज तो थक गए हैं। अब तूने किया क्या, तू थक गया, मुझे ये बताओ, शादी में जाकर तुमने किया क्या, लड्डू बनाए वहां जाकर आपने मेहनत किया है, या भोजन परोसने के लिए बाल्टी उठाई थी, क्या पत्थर उठाए थे वहां जाकर, किया आप थक क्यों गए, किया क्या था आप थक गए, लेकिन शादी से शाम को घर पर आज तो थक गए हैं। वो थकावट किसकी है, थकावट अपने कपड़ों की है। आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, जिस दिन आप नए कपड़े पहनोगे ना उस दिन आप ज्यादा थक जाओगे, कपड़ों की थकावट होती है। हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि नए कपड़े पहनकर जो मंदिर में आता है ठीक से दंडवट भी नहीं करता, दंडवट करूंगा तो थोड़े मेले हो जाएंगे, स्त्री निकल जाएगी, ठीक से भजन नहीं हो पाता है। लेकिन एक दिन मैं कहता हूं, एक दिन जानबूझकर फटी हुई धोती फटा हुआ कुर्ता पहनकर जाए मंदिर में, आपको बड़ा आनंद आ जाएगा, आपको एक 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 फिर आप अपने आप को बिल्कुल लाइट फील करोगे, अपने आप को एक हल्का फील करोगे, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करोगे। कहीं भी बैठना, कहीं भी उठना, कहीं भी कूदना, कोई चिंता कोई टेंशन नहीं रहेगा। यह है कपड़ों की महिमा। जब भगवान के लिए भोजन बनाते हैं तो शुद्ध धोए हुए साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही रसोई घर में किचन में जाना चाहिए।
ये तो कुछ माताएं रात को जो कपड़े पहनकर सोई हैं वही कपड़े पहनकर किचन में जाकर भोजन पकाना शुरू करती हैं। वस्त्रों की बड़ी बड़ा सिद्धांत है भागवत में। इसलिए परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी बताइए कि माँ यशोदा ने कैसे वस्त्र पहने थे, क्यों पहने थे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जवाब दूंगा लेकिन कल शाम को 7 बजे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।